नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रक्षत परमार और आज मैं हूं महावीर समता संदेश के इस कार्यालय में, जहां पे आज हमारे साथ हैं पूर्व IAS अधिकारी राजेंद्र भानावत सर। थैंक यू। और आपसे मेरी पहली मुलाकात तो जयपुर में 2016 में RYVP प्रशिक्षण के दौरान हुई थी, और उस टाइम से ही सर आपसे काफ़ी इंस्पायर हैं हम लोग, और एक सौभाग्य की बात है कि आज आपसे संवाद करने जा रहे हैं। सर, आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आपका एक प्रशासनिक अनुभव एक IAS के रूप में किस प्रकार रहा है, आपका अच्छा अनुभव अगर आप थोड़ा बता पाएंगे तो हमारे दर्शकों को, मैं जानना चाहूँगा सर। देखिए, प्रशासनिक सेवा तो ये अवसर देती है जी कि सीधे जनजीवन के साथ जुड़ करके उनके लिए कुछ करने का प्रयास कर सकें। बिल्कुल। और सरकार ने मुझे अवसर भी कई जगह दिए, 38 साल सेवा की तो उसमें 30 अलग अलग स्थानों पर रह के काम करने का अवसर दिया जी सर। तो इसको देखिए, इसको अब कई तरह के अधिकारी हो सकते हैं जो किस लिए सेवा में आते हैं, ये मुझे लगता है इससे अच्छा अवसर लोगों के लिए करने का, अपने देशवासियों के लिए करने का बहुत कम जगह मिलता है। और ये जितना कर सकते थे करने का प्रयास किया, करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, जितना बन पड़ा किया। और एक ज़रूर है कि जो चीज़ गलत थी उसमें भागीदार नहीं बने, और जो लगा अंतरात्मा को लगा और जो लोगों के हित में लगा उसको सर्वोपरि मानते हुए, जो संविधान के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसको सर्वोच्च रखी गई, और संविधान के अंतर्गत जो प्रतिबद्धता है वो आम व्यक्ति के प्रति है। और मेरा तो ये भी मानना है कि सभी लोगों का, चाहे मंत्रीगण हो चाहे अधिकारीगण हो, सबकी जो कमिटमेंट है या प्रतिबद्धता है वो आम नागरिक के प्रति ही होनी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है वो तो जैसे तैसे अपना काम करा लेता है और तरह से, लेकिन जिसका कोई साथ देने वाला नहीं हो उसकी आप मदद करते हैं तो उसमें एक संतोष का अनुभव अधिक होता है। इस संतोष की जो पूंजी है, सौभाग्य से मेरे पास अकूत पूंजी है लोगों के दुआओं की, आशीर्वाद की और संतोष की, तो वही प्रेरणा हमेशा वही अभी तक हमें चलाए रखता है और चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि एक IAS अधिकारी के समक्ष भी बहुत सारी चुनौतियाँ आती है। हाँ। फील्ड में तो किस किस तरह की चुनौतियाँ आई और आपने किस तरह से उनसे चुनौतियों को निपटा है, थोड़ा सा ये देखिए ऐसा कोई क्षेत्र नहीं इसमें चुनौतियाँ नहीं होती है, मतलब चुनौतियों अलग अलग तरह की होती है। चुनौतियाँ तो क्या हो सकती है, जैसे किसी जगह पे आपने कुछ करना चाहा, किसी काम अच्छा करना चाहा और वो अगर किसी स्थानीय किसी नेता को लगा ठीक नहीं है, बिल्कुल, तो वो आपके तबादला करा देंगे, कराने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जनता का जो साथ मिलता है वो उस दबाव के सामने कई बार टिक नहीं, मतलब ज़्यादा साबित होता है जनता का जो दबाव होता है वो। मुझे अभी भी ध्यान है, एक डूंगरपुर जिले से जो मेरे कलेक्टर की पद से तबादला हुआ था तो वहाँ पे अखबार में एक खबर छपी थी, और अभी भी मैंने उस अखबार को संभाल रखा है। उस अखबार की हेडलाइंस ये थी, कलेक्टर के स्थानांतरण से जनता में रोष, नेताओं को राहत। तो अगर अगर ये खबर छपी तो मुझे बड़ा संतोष हुआ। अगर खबर कहीं उल्टी होती कि मेरे तबादले से जनता को राहत और नेताओं में रोष, तो मुझे दिक्कत होती। लेकिन और ये इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट या सर्टिफिकेट और क्या हो सकता है कि आपको लोग चाहें और आपके तबादले से थोड़ा सा उनमें नाराजगी हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ सर ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा आज कहाँ स्टैंड करती है, इसकी इम्पोर्टेंस को लेकर मैं बात करना चाहूँगा सरकार की तरफ से, मतलब एक जो दबाव होता है प्रशासनिक, जो हमारे जो अधिकारी होते हैं उनके समक्ष, उसको आप किस प्रारूप में देख रहे हैं आज का प्रशासन है वो? हाँ देखिए, ये मैं मानता हूँ, मेरा व्यक्तिगत मान्यता यह है कि अगर इसकी जिम्मेदारी सारी दबाव को, जहाँ नेताओं की जिम्मेदारी है कि किसी प्रकार का दबाव न दें गलत काम के लिए, उसी प्रकार से अधिकारियों का भी ये कर्तव्य है कि गलत दबाव को न माने और अपने रीढ़ की हड्डी को सीधी रखते हुए काम करें। और ये मैं बड़े थोड़ा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिस भी व्यक्ति ने जनहित में सही काम किया, चाहे उसे कुछ नेतागण, मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण अस्थायी रूप से थोड़ा उनको ठीक नहीं भी लगा हो, लेकिन अंततः उनके मन में भी ऐसे अधिकारियों के प्रति आदर भाव होता है और उनको पसंद किया जाता है। भले राजनीतिक कारणों से उनको कभी कभार हो सकता है ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो अधिकारी को स्थानांतरण करने के, लेकिन बाद में कई बार मैंने देखा है ऐसे कालांतर में ऐसे लोगों को ने लगा कि वानव साहब आपका हमने ट्रांसफ़र तो वहाँ से किया, लेकिन आपका काम तो बहुत अच्छा था, लेकिन फला फला ने ये कहा इसलिए ऐसा ऐसा करना पड़ा। तो ये अपने आप में लगता है कि ऐसे सही काम करने वालों की हमेशा मदद कोई ना कोई करने वाले हमेशा मिलते ही हैं। अच्छा, एक चीज़ सर ये भी मैं जानना चाहूँगा कि एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप समाज को सुधार करने के लिए मतलब बहुत सारे स्टेप्स ऐसे उठाते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान तो बदलाव आते हैं, लेकिन जैसे ही आपका मान लो तबादला हो गया या किसी ने दबावपूर्ण आपका राजनीतिक द्वेष भाव के जरिए अगर आपका ट्रांसफ़र मान लो करवा दिया, तो वो बदलाव जो आपने किए थे वो बाद में जाकर बदल जाते हैं,
इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये थोड़ा दुर्भाग्य की बात है, आपने जो कहा बात सही है कि अधिकारियों में भी कई बार ये बीमारी होती है कि जो नए अधिकारी ज्वाइन करते हैं तो पहला काम ये करते हैं पहले ने जो किया सबको उल्टा कर दो, गैस बंद कर दो उसको, इसकी समीक्षा करके जो अच्छे काम है उसको आगे चलाना चाहिए और जो ठीक नहीं है जो बदलाव की जरूरत है उसमें बदलना चाहिए। बदलाव हमेशा होना चाहिए क्योंकि एक ही चीज़ स्थाई है दुनिया में वो है बदलाव। बदलाव होने में कोई बुराई नहीं, लेकिन बदलाव की दिशा क्या है वो महत्वपूर्ण है। तो जिस प्रकार से अभी जैसे रिको में हमने एक छोटा सा काम, एक बेसिक मोटो दिया था, अच्छा व्यवहार तत्पर काम, एक छोटी सी दो चार शब्द थे। तो मुझे लगा शायद मैं जाऊंगा तो उसके बाद ये ऑफिस से सब भी हटा देंगे, अच्छा व्यवहार तत्पर काम के बोर्ड वोर्ड सब हटा देंगे, लेकिन ये अच्छा लगा मुझे कि कई सालों बाद जब अभी कहीं टीवी पे कोई प्रोग्राम देखा उसमें अभी भी कार्यालयों में ये लिखा हुआ था तो किसी ने मेरे बाद जो भी अधिकारी आए होंगे ना उसको कम से कम उसको तो नहीं हटाया। मान के चलता हूँ कि शायद उसी भावना से वहाँ के लोग काम भी करते होंगे। तो ये अधिकारियों पर निर्भर करता है कि अच्छे काम को आगे बढ़ाएं, निरंतरता बनाए रखें। जैसे मैंने प्रतापगढ़ में शिवरात्रि के अवसर पर कोई मेले की प्रारंभ किया था उस समय 1978 में, जब मैं SP होता हूँ प्रशासक था नगर पालिका का, तो आज इतने कितने 42 और 43 साल हो गए अभी तक भी निरंतर, बीच में कभी मैं गया वहाँ तो अभी भी बहुत बड़े बड़े स्तर पर वो शुरू हो गया, चलता रहा। तो जो अच्छा काम जो शुरू करेंगे, नरेगा में हमने संवाद नाम से प्रोग्राम शुरू किया था, नरेगा में गाँव के लोग और सरकार के बीच में हम हर महीने या दो महीने में एक बार मिलते थे वहाँ पर पंचायती राज संस्थान के अंदर और खुली चर्चा करते थे लोगों से, तो उससे एक सीधी बात कहने का करने का मौका मिलता है। तो उस समय शुरू किया था, बाद में काफ़ी अर्से तक चल रहा था, आशा करता हूँ अभी तक वो चल रहा होगा। तो ये नहीं कह सकता कि सारी बात आप जो शुरू करते हैं वो आपके स्थानांतरण के बाद समाप्त हो जाती है, लेकिन हाँ ये इस पर निर्भर करता है कि आपके बाद आने वाले अधिकारी किस प्रवृत्ति के हैं, किस प्रकृति के हैं, इस पर तो निर्भर करता ही है। इसको तो इस पर आप बहुत ज़्यादा अपना कुछ नहीं, मैं तो ये मानता हूँ जो काम आपके बस में है वो अच्छी तरह करना चाहिए, जो काम बस में नहीं है उस बारे में बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सर, एक प्रशासनिक प्रबंधक के तौर पर आप मतलब भारत का जो मीडिया है एक 1947 से लेकर अभी तक का वो तो मतलब काफ़ी लंबा दौर मैंने बता दिया सर, लेकिन फिलहाल आप क्या देखते हैं पिछले 10 सालों का अगर हम देखें तो क्या स्थिति है भारतीय मीडिया की फिलहाल? देखिए मीडिया भी सुविधा भोगी तो हुई है, मीडिया को भी कई तरह के फायदे लेने होते हैं सरकार से। जिस मीडिया जो मीडिया सरकार उसकी प्रतिबद्धता किसके प्रति, मैं फिर वही बात कहता हूँ, चार अंग हैं तो अगर मीडिया भी बहुत उसकी प्रतिबद्धता यदि आम नागरिक के स्वास्थ्य के हित के प्रति है तो वो बिल्कुल सही बात अपनी कहेगा। उसका मीडिया का काम होता है अच्छे जनता के बीच में और सरकार के बीच में अच्छे पुल का काम करना, जनता की बात लोगों तक पहुँच सरकार तक पहुँचाना, सरकार की कोई अच्छी बात है तो उसको भी लोगों तक पहुँचाने की, और कमियां हैं तो निकाल के उजागर करने की बात होनी चाहिए। लेकिन जिन अब क्या होता है कि सरकार पर निर्भरता जिन मीडिया की बढ़ जाती है, तो आजकल मीडिया एक तरह से साइड बिजनेस हो गया कई लोगों के लिए, तो वो कोई एक तरह से मीडिया पर हाँ वही बिजनेस का है, उद्योग का है, इंडस्ट्री हो गई, जैसे होटल चलाते हैं वैसे अखबार चलाते हैं, चैनल चलाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये जनता के साथ थोड़ा अन्याय है। सही बात कहनी चाहिए, सच्ची बात कहनी चाहिए और ऐसी बात कहनी चाहिए जो भले सत्ता को चुनौती भी देता हूँ लेकिन अगर लोगों के हित में है तो वो कहने का साहस होना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि मीडिया को साहसी तो जैसे अधिकारियों को साहसी होना चाहिए, उसी प्रकार से मीडिया के से भी अपेक्षा ये की जाती है कि वो निष्पक्ष और साहसी हो और किसी के केवल किसी को खुश करने के लिए कोई काम ना करे। दुर्भाग्य से मैं जो सोचता हूँ वैसे स्थिति थोड़ी बहुत अधिक नहीं है और धीरे धीरे पिछले कई वर्षों में इसमें ह्रास होता आया है। लोग छोटे छोटे स्वार्थ के लिए छोटे छोटे फायदे के लिए अपनी बात को या खबर को दबा देते हैं या ऐसी खबर बना देते हैं जो नहीं बननी चाहिए। तो दोनों बातें, कई लोग तो हम मजाक में कहते हैं खबर को जो खबर या तो दबा दी जाती है किसी दबाव के कारण या खबर बना दी जाती है किसी दबाव के कारण, दोनों में काम करते हैं दबाव, तो थोड़ा ये दिक्कत है। आज का आखिरी सवाल सर आपसे करना चाहूँगा कि देश में मतलब एक तो जनता की तरफ से और एक सरकार की तरफ से अलग अलग चुनौतियाँ हैं, आप एक प्रशासक के तौर पर क्या मानते हैं कि मतलब जनता में अब भी ऐसी क्या चुनौतियाँ हैं जिनसे निपटा जाना अभी बाकी है, जिनके ऊपर काम किया जाना बाकी है? देखिए जनता को अभी कई जगह तो अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीवन यापन के लिए जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति में भी कठिनाई हो रही है बहुत सारे लोगों को, तो इसलिए अभी जब तक वो पूरी नहीं हो तब तक उनको कई बार ये काम में जुटना करना नहीं है। लेकिन जो लोग प्रबुद्ध वर्ग है समाज का उसको इसमें थोड़ी सी अग्रणी भूमिका निभानी होगी और लोगों को जब ये दूसरा जैसे खास तौर से जो चुनाव का जो अपनी पद्धति है उसमें जैसा मेरा अपना मानना है कि जिस दिन चुनाव जीतने के लिए
सरकार पे एक तरह से बाध्यता होगी, आप अच्छी शिक्षा व्यवस्था करें तो चुनाव जीतेंगे, अच्छे अस्पताल चलाएंगे तो चुनाव जीतेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे तो चुनाव जीतेंगे। तो निश्चित रूप से ऐसे ही लोग पैदा होंगे। आज अगर ये लगता है लोगों को कि भ्रष्ट तरीकों से चुनाव जीता जा सकता है, तो भ्रष्ट तरीके से कमाया गया पैसा वसूल कहाँ से होगा? जनता से वसूल होगा। तो और जनता को भी ये समझना पड़ेगा कि सरकार जो पैसा बर्बाद करती है कई बार, वो सरकार का अगर पेड़ों से तोड़ा हुआ पैसा नहीं है, वो जनता का ही पैसा है। एक एक व्यक्ति से गरीब व्यक्ति का भी उसमें योगदान है। उनको अभी तक अपना हक की पहचान नहीं है कि मेरा अधिकार क्या है इस पैसे के ऊपर। वो समझती है सरकार ने कर दिया तो एहसान कर दिया। कोई किसी पर एहसान नहीं करता है। जनता का हक है, हक दिलाने का काम प्रबुद्ध लोगों का थोड़ा ज़्यादा है, मीडिया का भी उसमें बहुत भूमिका है। अधिकारियों को भी यही काम करने की ज़रूरत है, जनप्रतिनिधियों को भी यही काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जो शॉर्टकट ढूंढते हैं, दिक्कत उनके कारण है। तो थोड़ा विश्वास धीरे धीरे, मुझे लगता है कि विश्वसनीयता पुनः मीडिया को बिठाने की ज़रूरत है। अच्छे अखबार भी हैं, अच्छे मीडिया भी हैं, अच्छे सोशल मीडिया का आजकल बड़ा उपयोग है। सोशल मीडिया का दुधारू तलवार है। चाहो तो आप जिसके पास एक तरह का एक विशेष तरह का कार्यक्रम भी चला सकते हैं, सच्ची बात भी कह सकते हैं, सच्ची बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अभी निर्बाध रूप से पहुंचा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि निर्बाध रूप से पहुंचाने का जो ताकत है मीडिया की, सोशल मीडिया की, वो बनी रहने दी जाएगी आने वाले समय में। ये सरकार की भूमिका से आखिरी सवाल, सरकार की भूमिका को किस तरह से देखते हैं फिलहाल इस अभी के दौर में जो चल रहा है? एक तरह से जनता में कई बार ये लगता है, देखिए कि बातें तो सारी अच्छी हैं, नीतियाँ भी सारी अच्छी होती हैं। नीति अच्छी होना पर्याप्त नहीं है, नीयत अच्छी होना भी बहुत आवश्यक है। और अगर नीति अच्छी और नीति थोड़ी कमज़ोर भी होगी और नीयत अच्छी होगी तो लोग कर लेंगे अच्छी तरह काम। लेकिन अगर नीयत ठीक नहीं है तो नीयत को ठीक करना तो फिर जनता को आता है, जो 5 साल में चुनाव आते हैं वो ठीक करते हैं उसके अंदर। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये थे राजेंद्र भानावत सर, जो कि पूर्व IAS अधिकारी रह चुके हैं और आज हमारे साथ महावीर समता संदेश के कार्यालय में आपसे रूबरू हुए और अपने अनुभव बताए इन्होंने कि एक प्रशासक के रूप में क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, आगे क्या उनका समाधान हो सकते हैं, सरकार को लेकर इनका क्या एक इन्होंने अपना एक दृष्टिकोण रखा है और भी युवाओं के लिए इन्होंने बात बताई है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।